हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग्स ऑफ माय लाइफ। फ्रेंड्स, आज के कुकिंग सीरीज के वीडियो में हम सीखेंगे आलू मटर की सब्जी बनाना। आज की जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट रहती है। तो सबसे पहले मैंने ये तड़के के लिए प्याज, लहसुन और अदरक को छील कर रख लिया है। आप अपने अनुसार इसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो मटर लिए है इसको हल्का सा उबाल लेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे जो ताज़े मटर आजकल हम निकाल कर रखते हैं फ्रिज में तो वो बहुत सख्त हो जाते हैं, अगर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे सब्जी में तो कई बार ये बहुत हार्डी रह जाते हैं। तो इसको हम पहले एक उबाल दे लेते हैं। अब हम तड़का पीस लेते हैं। ये तड़का हमने पीस लिया है, इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम कुकर में तेल डाल लेते हैं। ये सरसों के तेल में मैं सब्जी बना रही हूँ, इसको हमें अच्छी तरह से पहले गर्म करना पड़ता है, उसके बाद ठंडा करके इसमें तड़का डालेंगे। एक साइड मैंने मटर को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसको मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। थोड़ा ठंडा होने पर इसमें तड़का डालेंगे। इस सब्जी में मैं थोड़ा सा जीरा और हींग डालूंगी, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सबसे पहले जीरा डालेंगे, सौते कर लेंगे, उसके बाद जो तड़का पीस के रखा है वो डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए इसे भून लेंगे। इसे हमें हल्का सा ब्राउन करना है प्याज को। जितनी देर तक हमारा तड़का भुन रहा है अब उतनी देर तक हम टमाटो प्यूरी तैयार कर लेते हैं इसमें डालने के लिए। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करते हुए तड़के को भून लेंगे हम। ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डालकर थोड़ा सा इसी तड़के में डाल देते हैं इसको। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। पहले हमने 2 हरी मिर्च डाल रखी है इसमें, तो इसलिए थोड़ी सी मिर्च इसमें कमी रखेंगे। बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं कोई भी मसाला। 1/2 टीस्पून गर्म मसाला डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और इसमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आ जाता है सब्जी में कसूरी मेथी डालने से। अब इस तड़के को हम तेल अलग होने तक इसको भून लेंगे। जितनी देर तक हमारा तड़का भून रहा है आलू काट लेते हैं। आलू जिस तरह आप खाना पसंद करते हैं वैसे काट लें। हमारे जहाँ छोटे छोटे आलू खाना पसंद करते हैं तो मैं इनको छोटे साइज़ में काटती हूँ। ये मैंने मटर धोकर रख लिए हैं, एक उबाला दिलाकर इसको मैंने ठंडे पानी से वॉश करके रख लिया है। आलू को पानी में काटिए वरना ये काले हो जाते हैं। तड़के को आप थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें वरना ये नीचे लग सकता है। गाइस, ये हमारा तड़का भुन गया है, ये देखिए अच्छी तरह से। अब इसमें हम आलू मटर को ऐड कर देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स करेंगे। पहले एकदम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे इस तड़के में पहले। एक साइड पे पानी को गर्म रख लें तो सब्जी जल्दी से बन जाती है। अब इसे 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए हमें, इसमें अब हम पानी ऐड कर देते हैं। इसमें पानी भी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे आपको सब्जी खाना पसंद है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी करनी है तो आप इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालें, और अगर आपको ग्रेवी थोड़ा कम रखनी है तो पानी थोड़ा कम ही डालें इसमें। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 4 विसल लगवा लेंगे और गैस का फ्लेम फुल रखेंगे। चार विसल हो गई है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर निकलने का इंतज़ार करेंगे। इसकी गैस अब निकल चुकी है तो इसको अब खोल के देखते हैं हम।
ये देखिए गाइस, सब्जी का रंग कितना अच्छा आया है। अब हम इसके नीचे गैस जला देंगे और थोड़ा सा उबाल आने देंगे इसे और एक, और इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़े से आलू निकाल कर उनको पीस कर इसमें फिर से ऐड कर देंगे। इससे तरी और भी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत खाने में बहुत ही स्वाद लगेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे काट के। गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जैसे आपको खाना पसंद है कि तरी को ज़्यादा पतला या गाढ़ा रखना, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। गाइस, हम अपनी कुकिंग सीरीज़ में आपको स्टार्टिंग से कुकिंग करना सिखा रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक सब्जी आलू मटर की आपको सिखाई है। धीरे धीरे हम रेस्टोरेंट स्टाइल की तरफ भी बढ़ेंगे। तो चलिए, अब हमारी सब्जी तैयार है, इसको सर्व करते हैं। सो गाइस, हमारी ये आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी खाने के लिए तैयार है। इसे आप रोटी, परांठा या चावल के साथ खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।